अरे वाह, आम आदमी के लिए भारत में ये कंपनी ला रही है इतनी सस्ती कार, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे न्यूज एंड हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लाल बटन दबा के चैनल को कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब। और साथ में दोस्तों, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन को नहीं दबा रखा तो साइड में बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, सबसे ऊपर वाले ऑल ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आप सभी को हमारी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। तो जैसे कि दोस्तों, भारत में सीटियन नाम की एक कंपनी इस साल अपनी पहली कार C5 एयरक्रॉस के साथ दस्तक देने वाली है। हाल ही में इस कार को भारतीय बाजार में टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। ये एक SUV है जो खास तौर पर मध्यवर्गीय परिवारों को देखते हुए डिजाइन की गई है। भारत में दोस्तों, अगर इस SUV की कीमत की बात करें तो ये SUV भारतीय बाजार में मात्र 4.70 लाख रुपीज के करीबन कीमत पे लॉन्च होने वाली है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब ये सस्ती कार भारतीय बाजार में हम सभी के लिए लॉन्च होगी तो ये मुख्य रूप से टाटा हैरियर और महिंद्रा XUV 300 जैसी कारों को टक्कर देने वाली है। इस कार में दोस्तों, आपको दो पेट्रोल इंजन और दो डीजल इंजन के ऑप्शन देखने को मिलने वाले है। कार में मिलने वाला दोस्तों पेट्रोल इंजन 1.2 लीटर का और 1.6 लीटर का होने वाला है, जो की 128 PSP की पावर और 180 Nm के टॉर्क पर प्रदान कर पाने में क्षमता रखता है। दोस्तों, वही डीजल इंजन की बात करें तो इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का और एक 2 लीटर का इंजन देखने को मिलने वाला है और जो कि 177 PSP की पावर और दूसरा इंजन दोस्तों 128 PSP की पावर प्रदान कर पाने में क्षमता रखता है। इंजन संचालक के लिए दोस्तों, इस कार के अंदर आपको 6 स्पीड मैनुअली वह प्लस में आपको 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। भारत में दोस्तों लॉन्च होती है काफी अन्य SUV को कारों को टक्कर देने वाली है, तो दोस्तों ये काफी अच्छी बात है क्योंकि मध्यवर्गीय परिवार को देखते हुए दोस्तों इस कार की कीमत काफी कम रखी गई है। वाकई में ही ये भारतीय बाजार में हम सभी के लिए लॉन्च होने वाली है। तो ये न्यूज़ दोस्तों फाइनली डिक्लेयर हो चुकी है। अब देखना ये कि दोस्तों ये SUV लॉन्च होते ही भारतीय दिलों में अपनी कितनी जगह बना पाती है। बाकी दोस्तों, आपका इंतजार मैं कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में फटाफट आइए और अपनी राय हमें बताइए कि इस SUV के लिए आपके क्या विचार है। बाकी वीडियो को बिना लाइक करे दोस्तों बिल्कुल मत जाइएगा। डिटेल के साथ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।